झारखंड समाचार। झारखंड में बुजुर्ग और हर उम्र की विधवा को मिलेगी पेंशन, सीएम हेमंत सोरेन ने किया ऐलान। झारखंड में हेमंत सरकार अब 60 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों और हर उम्र की विधवा को पेंशन देगी। वहीं राज्य में मुख्यमंत्री पशुधन योजना की शुरुआत जल्द ही की जाएगी, यह घोषणा दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। इसके अलावा राज्य में 15 लाख नए राशन कार्ड बनाने की स्वीकृति मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने की है। उन्होंने कहा है कि जरूरतमंद लाभुकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, राज्य सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने दुमका के दिशोम मांझी थान में पूजा अर्चना किया। शहरी मनरेगा योजना अब दूर नहीं, लेकिन बड़ी मजदूरी के कारण चीन से व्यवसाय आकर्षित करना और मुश्किल हो जाएगा। नरेंद्र मोदी सरकार मनरेगा या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की तर्ज पर एक शहरी नौकरी गारंटी योजना पर काम कर रही है। वैसे तो भावी योजना पिछले साल से ही विचाराधीन है, लेकिन माना जाता है कि कोविड-19 से बने संकट ने इस पर आम सहमति बनाने की मदद की है। सरकार को उम्मीद है कि कतिपय शहरों में बेरोजगार शहरी श्रमिकों को 100 दिनों की सुनिश्चित रोजगार गारंटी देने वाली 35,000 करोड़ रुपए की योजना रोजगार देने के अलावा सरकारी व्यय को भी बढ़ावा देगी। देखने में योजना आकर्षण नजर आती है और वास्तव में कई अर्थशास्त्री और एक्टिविस्ट ने इसका समर्थन किया है। हालांकि शहरी मनरेगा को आलोचनात्मक दृष्टि से आंकने की जरूरत है। झारखंड में 3 वर्षों तक चलेगा सीएफ प्रोजेक्ट, जानिए मनरेगा को इससे कैसे मिलेगा बेहतर सपोर्ट। राज्य में वर्ष 2020 से लेकर 2023 तक क्लस्टर फैसिलिटेशन प्रोजेक्ट का संचालन होगा। इसके तहत मनरेगा की योजनाओं को गति दी जाएगी, मनरेगा की योजनाओं को तकनीकी सपोर्ट दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को अमली जमा पहुंचाने का काम शुरू हो गया है। ग्रामीण विकास विभाग ने इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर सारे जिला को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। इसके संबंध में संकल्प भी जारी कर दिया गया है। संकल्प में कहा गया है कि 3 वर्षों तक प्रोजेक्ट चलाना है, लेकिन सरकार को यह लगेगा कि इसे और लंबा चलाने की जरूरत है तो इसकी अवधि में विस्तार किया जाएगा। भारत सरकार और राज्य सरकार का सहयोग से प्रोजेक्ट का संचालन होगा। फिलहाल देश के कुल 300 प्रखंडों में से सबसे ज़्यादा प्रखंड झारखंड के चयन हुआ है। झारखंड के 51 प्रखंडों में सीएफपी शुरू होने जा रही है, इसकी तैयारी की जा रही है। वही इस प्रोजेक्ट से मनरेगा की योजनाओं को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले इसकी भी तैयारी है। वन नेशन वन राशन कार्ड, दुकानदारों की मनमानी पर लगेगी रोक, मर्जी की दुकान से ले सकेंगे राशन। अब देश के एक राशन कार्ड हो चुका है। यदि आप झारखंड के वासी हैं और प्रदेश में अपने परिवार के साथ काम करने के लिए जा रहे हैं तो साथ में अपना राशन कार्ड भी लेते जाएं, ताकि आपको यहां अनाज की चिंता नहीं हो। यही काम दूसरे प्रदेश के लोगों के लिए भी है। यदि आप रांची में काम करने के लिए आए हैं तो अपना राशन कार्ड साथ लाएं, झारखंड के किसी जिले के किसी दुकान से अपना राशन उठा करें। बोकारो में यह व्यवस्था लागू हो चुकी है। हालांकि यह सुविधा केवल गुलाबी राशन कार्ड व पीला कार्ड धारियों के भी मिलेगा। यह सुविधा राज्य सरकार द्वारा बनाए जाने वाले राज्य कोटे के राशन कार्ड पर दूसरे प्रदेश में नहीं मिलेगी। इस सुविधा का लाभ आप अपने जिले व स्थानीय स्तर पर भी उठा सकते हैं। हालांकि वैसे लोगों का राशन कार्ड भी स्वतः रद्द हो जाएगा जो 2 प्रदेशों में राशन बनवाकर राशन का लाभ ले रहे थे। जरूरतमंद लोगों के लिए बनाया जाएगा फूड बैंक। असहाय गरीब व जरूरतमंद के लिए जल्द ही जिले में फूड बैंक की स्थापना की जाएगी। इस फूड बैंक के माध्यम से जिले के होटलों एवं विवाह पार्टियों में बचे हुए नाश्ते व भोजन को एकत्र कर उसे असहाय गरीब व जरूरतमंद लोगों के बीच वितरित किया जाएगा। इस संदर्भ में अनुमंडल पदाधिकारी हेमंत सती ने अपने कार्यालय कक्ष में होटल व्यवसायी के साथ बैठक की। बैठक में SDO ने होटल व्यवसायियों को फूड बैंक की योजना के विषय में विस्तार से बताया, उनसे सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि होटल एवं शादी पार्टी में प्रतिदिन काफ़ी मात्रा में नाश्ता भोजन बच जाता है, जिसे प्रायः फेंक दिया जाता है। जिले में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके बीच यदि इस भोजन बचे हुए भोजन को वितरित किया जाए तो उनकी भूख मिटाई जा सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन फूड बैंक की स्थापना करने का निर्णय लिया है। फूड बैंक का नोडल पदाधिकारी, खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी
प्रकाश चंद्र गुग्गी को बनाया गया है। एसडीओ ने कहा कि फूड बैंक की सफलता के बाद कपड़ा बैंक व चप्पल बैंक की स्थापना करने की भी योजना है। नो बेट कहकर नहीं लिया भर्ती, दम तोड़ा, मौत के बाद परिजनों ने कही ये बात। खबर सरायकेला से है। सरायकेला बीआरसी में तैनात बीपीओ कितेन सोरेन की रविवार देर रात मौत हो गई। परिजनों ने सदर अस्पताल के चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों ने बताया कि रविवार रात करीब 11 बजे कितेन की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। रात 12 बजे उन्हें सदर अस्पताल लाया गया। सदर अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक ने अस्पताल में बेड व ऑक्सीजन नहीं होने की बात कहकर भर्ती नहीं लिया। इसके बाद उन्हें जमशेदपुर में ले जाया जा रहा था, रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। ऑनलाइन क्लासेस, राज्य सरकारें बांटेगी छात्रों को स्मार्टफोन, झारखंड ने दिए 46,000 टैबलेट। कोरोना महामारी के बीच स्कूल जाने से वंचित छात्रों की पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है। ऐसे भी छात्र हैं जो स्मार्टफोन खरीदने में असमर्थ हैं और ऑनलाइन कक्षाएं नहीं ले पा रहे हैं। इनके लिए सरकार क्या कर रही है? संसद में पूछे गए इस सवाल पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा कि राज्य सरकार से कहा गया है कि वह ऐसे छात्रों की पहचान कर उन्हें स्मार्टफोन व अन्य उचित संसाधन उपलब्ध कराएं। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने ऑनलाइन कक्षाएं के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सरकार की ओर से छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन पढ़ाई कराने के अलावा छात्रों की पढ़ाई के लिए डीडी फ्री डिश पर कक्षावार चैनल चलाए जा रहे हैं। झारखंड सर्वांगीण विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ेगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। राज्य में रोजगार सृजन के लिए सरकार तेजी से कर रही है काम। मनरेगा में शुरू की जा चुकी है 3 बड़ी योजनाएं। अब शहरों में युवाओं को रोजगार देने की योजना बनकर है तैयार। नए सिरे से नए झारखंड के नव निर्माण के लिए सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। झारखंड को किस दिशा में ले जाना है इसके लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है। श्री हेमंत सोरेन ने कहा, सरकार की सोच और नीयत सही है तो कोई भी काम संभव नहीं है। यही वजह है कि नए सिरे से नए झारखंड के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस दिशा में झारखंड के प्रतीक चिन्ह में बदलाव एक शुरुआत है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने आज दुमका के राजभवन में प्रबुद्ध नागरिकों के साथ संवाद के दौरान कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने तय कर लिया है कि किस दिशा में आगे बढ़ना है, इसके लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है। खबर खेल जगत से। रांची के जेएससीए स्टेडियम में टी20 क्रिकेट लीग का आगाज, किस वजह से नहीं खेले धोनी जाने। झारखंड के रांची स्थित जेएससीए अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में मंगलवार से टी20 क्रिकेट लीग का आगाज हो गया है। इस प्रतियोगिता का कुल 6 टीमें हिस्सा ले रही है, जिसमें रांची राइडर्स, जमशेदपुर जगलर्स, धनबाद डायनामोज, बोकारो ब्लास्टर्स, सिंहभूम स्ट्राइकर्स और दुमका डेयर डेविल शामिल है। टूर्नामेंट में हर दिन 2 मैच आयोजन किया जाएगा। पहला मैच सुबह 9:30 बजे खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच दोपहर 1:30 से शुरू होगा। मंगलवार 15 सितंबर से सुबह करीब 9 बजे जेएससीए स्टेडियम में बीसीसीआई के पूर्व सचिव अमिताभ चौधरी ने टूर्नामेंट का रंगारंग आयोजन किया। अमिताभ चौधरी ने कहा कि अगर यूएई में आईपीएल नहीं होता तो शायद धोनी भी इस टूर्नामेंट में खेलते हुए नजर आते। उन्होंने कहा कि धोनी जैसे बड़े खिलाड़ी का इस राज्य से जुड़ना गर्व की बात है। नवंबर में उपचुनाव की उम्मीद लुइस मरांडी पर भाजपा लगाएगी दांव। नवंबर में दुमका और बेरमो विधानसभा सीट से उपचुनाव होने की उम्मीद जताई जा रही है। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही इन दोनों सीटों पर चुनाव कराने की बात कह चुका है। फिलहाल इस पर अभी अंतिम निर्णय होना बाकी है। इस बीच उपचुनाव को लेकर दुमका सीट काफी हॉट बन चुकी है। इस सीट पर भाजपा फिर से लुइस मरांडी पर किस्मत आजमाना चाह रही है। भाजपा लुइस मरांडी को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। फिलहाल पार्टी की ओर से लुइस मरांडी को लेकर दुमका से फीडबैक लिया जा रहा है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 3 दिवसीय दुमका दौरे में है। वहां से लगातार कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं, सरकार के आपके द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह दौरा उपचुनाव के प्रचार से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। सांसदों की सैलरी में 1 साल तक होगी 30% की कटौती, लोकसभा में विधेयक पास। संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन विधेयक लोकसभा में आज पास हो गया है। इसके तहत 1 साल तक सांसदों की सैलरी में
30% की कटौती मिलेगी। इसका उपयोग कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के कारण पैदा हुई स्थिति से लड़ने के लिए किया जाएगा। पीएम मोदी देंगे बिहार को बड़ी सौगात। 18 सितंबर को पूरा होगा 86 साल का सपना, महासेतु पर दौड़ेगी ट्रेन। बिहार में कोसी और मिथिलांचल के लोगों का सपना 86 साल के बाद पूरा होने जा रहा है। कोसी नदी पर बने रेल महासेतु पर ट्रेन का ट्रायल सफल होने के बाद अब जल्द ही इस महासेतु से ट्रेन दौड़नी शुरू हो जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों रेल महासेतु के साथ ही रायगढ़ से आसनपुर कुपहा रेलखंड का उद्घाटन 18 सितंबर को होने जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 18 सितंबर को कोसी महासेतु का उद्घाटन करने वाले हैं। समस्तीपुर रेलखंड के सीनियर डीसीएम सरस्वती चंद्र के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोसी महासेतु का उद्घाटन करेंगे। चीन ने सीमा पर इकट्ठा किया गोला बारूद, हमारी सेना भी तैयार, लद्दाख गतिरोध पर संसद पर बोले राजनाथ सिंह। लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अप्रैल महीने से जारी भारत चीन के बीच गतिरोध पर केंद्र रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को लोकसभा में जवाब दिया। राजनाथ सिंह ने कहा है कि हमारे जवान के हौसले पूरी तरह से बुलंद है और हम किसी भी हालत से निपटने के लिए तैयार हैं। रक्षा मंत्री ने बताया कि चीन ने सीमा पर गोला बारूद इकट्ठा कर लिया है, लेकिन हमारी सेना भी तैयार है, हमारे जवान देशवासियों को सुरक्षित रख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि किसी को भी हमारी सीमा की रक्षा के प्रति हमारे दृढ़ निश्चय के बारे में संदेह नहीं होना चाहिए। भारत मानता है कि पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण संबंधों के लिए आपसी सम्मान और आपसी संवेदनशीलता जरूरी है। राम मंदिर ट्रस्ट के खाते से फर्जी चेक से निकाले गए 6 लाख बैंक ने वापस खाते में भेजे। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने बताया कि फर्जी चेक पर फर्जी हस्ताक्षर के जरिए उसके खाते से ट्रांसफर करवाए गए 6 लाख SBI ने वापस ट्रस्ट के खाते में जमा करवा दिए हैं। ट्रस्ट ने कहा, त्वरित कार्रवाई के लिए बैंक प्रशासन का हार्दिक आभार। दरअसल ट्रस्ट ने बैंक को खत लिखकर पैसे वापस जमा करने की मांग की थी। देश भारतीय सेना के साथ है, लेकिन मोदी जी आप कब चीन के खिलाफ खड़े होंगे? राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को ट्वीट किया, रक्षा मंत्री के बयान से साफ है कि मोदी जी ने देश को चीन अतिक्रमण पर गुमराह किया। हमारा देश हमेशा से भारतीय सेना के साथ खड़ा था और रहेगा, उन्होंने लिखा। लेकिन मोदी जी आप कब चीन के खिलाफ खड़े होंगे? चीन से हमारे देश की जमीन कब वापस लेंगे? छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर होगा आगरा में बन रहे मुगल म्यूजियम का नाम UPCM। उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को कहा कि आगरा में निर्माणधीन मुगल म्यूजियम अब छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है कि आपके नए उत्तर प्रदेश में गुलामी की मानसिकता के प्रति चिन्हों का कोई स्थान नहीं, हम सबके नायक शिवाजी महाराज हैं। यह म्यूजियम ताजमहल के पास बनवाया जा रहा है। बिहार के दरभंगा में 12 से 64 करोड़ की लागत से बनेगा एम्स, केंद्र कैबिनेट ने दी मंजूरी। केंद्र कैबिनेट ने मंगलवार को बिहार के दरभंगा में एक नया एम्स बनाने की मंजूरी दे दी है। सरकार ने कहा है कि 12 से 64 करोड़ की लागत से बनने वाला यह एम्स 4 साल में बनकर तैयार होगा। इस प्रस्तावित एम्स में MBBS की 100 और BSc की 60 सीटें होंगी और 750 बेड का एक अस्पताल होगा। NEP 2020 लागू होने के बाद आरक्षण के नियमों में होगा बदलाव। तो आइए जानते हैं शिक्षा मंत्री ने क्या कहा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के प्रस्ताव के बाद शिक्षा मंत्री ने आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि NEP के लागू होने के बाद भी देश में आरक्षण व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा। शिक्षा मंत्री का यह बयान उस समय आया जब विपक्ष के नेता सदन में इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि सरकार NEP के लागू करने के बाद भी आरक्षण के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, आरक्षण को लेकर पुराने नियम ही लागू रहेगी। अटल पेंशन योजना सब्सक्राइबर के लिए खुशखबरी, मिलेगा एक और फायदा। अटल पेंशन योजना के सब्सक्राइबर के लिए राहत की खबर आई है। बेहतर पारदर्शिता सुनिश्चित करने और इंफॉर्मेशन मैप को दूर करने के लिए पेंशन फंड रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें अटल पेंशन योजना पॉइंट ऑफ प्रेपर्स की शाखाओं में APY सिटीजन चार्टर को सही ढंग से डिस्प्ले करने के लिए कहा। इस नए फैसले से यह सुनिश्चित होगा कि APY लाभार्थियों को पेंशन योजना के नियमों के दिशा निर्देश के
बारे में ठीक से जानकारी मिले, वरना अक्सर लोगों को किसी स्कीम के नियमों और दिशा निर्देशों की ठीक से जानकारी नहीं मिल पाती है, खासकर उन लाभार्थियों को जो अभी भी इंटरनेट से नहीं जुड़ पाए हैं। खबर है बिहार से। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, 31 अक्टूबर से जमा होंगे आवेदन, 2 जून से मिलेगा 1,00,000 रुपए तक का अनुदान। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत अब प्रत्येक पंचायतों में 7 लोगों को वाहन खरीदने पर अधिकतम 1,00,000 रुपए तक का अनुदान मिलेगा। इस योजना के तहत 4 अनुसूचित जाति जनजातियों तथा 3 अत्यंत पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों को अनुदान दी जाएगी। DTO धीरेन्द्र कुमार ने बताया कि परिवहन विभाग ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत अब प्रत्येक पंचायत में 5 की जगह 7 लोगों को वाहन खरीदने पर अनुदान देने का निर्णय लिया है। साथ ही राज्य स्तर पर लिए गए निर्णय में क्रियान्वयन को लेकर भी आदेश दिए गए हैं। DTO ने बताया कि पहले प्रत्येक पंचायत में 5 लोगों को CM ग्राम परिवहन योजना का लाभ देने का लक्ष्य था, जिसे बढ़ाकर अब 7 कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को जलापूर्ति और सीवर से जुड़ी 543 करोड़ रुपए की योजना की दी सौगात। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा खबर। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को बिहार के जलापूर्ति व सीवर से जुड़ी 543.28 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं केंद्र की नमामि गंगे और अमृत योजनाएं से जुड़ी है। इनमें पटना की बेउर और कर्मलीक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के अलावा सिवान, छपरा, मुंगेर, जलामपुर, मुजफ्फरपुर से जुड़ी योजनाएं शामिल है। भारत में लॉन्च हुई श्रमिक बंधु ऐप, दिहाड़ी मजदूरों को रोजगार ढूंढने में मिलेगी मदद। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लगाए गए लॉकडाउन ने देश भर में रोजगार की स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया है। देश में लगभग 40 मिलियन से ज्यादा लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है, लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ पटरी पर आने लगा है। दिहाड़ी मजदूरों ने फिर से काम की तलाश करनी शुरू कर दी। उनकी मदद के लिए श्रमिक बंधु ऐप लॉन्च की गई। इस खास ऐप के जरिए प्रवासियों और दिहाड़ी मजदूरों को नौकरी ढूंढने में काफी आसानी होने वाली है। अमेजन 1,00,000 लोगों को देगा रोजगार, बढ़ते कारोबार के लिए बड़ा फैसला। अमेजन ने पिछले दिनों कहा था कि उसे कंपनी और तकनीकी स्तर पर 33,000 लोगों की तैनात करने की जरूरत है। दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने ऑनलाइन खरीदारी के बढ़ते चलन और समय पर ऑर्डर को पूरा करने के लिए 1,00,000 लोगों को नौकरी देगा। अमेजन ने कहा कि ये नौकरी 5 टाइम और फुल टाइम होगी। इसे पैकिंग कम समय में ऑर्डर को पूरा करने में मदद मिलेगी। रेलवे के निजीकरण और निगमीकरण के विरोध में उतरे कर्मचारी, कहा मरते दम तक आंदोलन करेंगे। रेलवे के निजीकरण और निगमीकरण के विरोध में रेलवे के कर्मचारी संगठन लामबंद हो गए हैं। अलग अलग बैठकों और आंदोलन के दौर शुरू हो गया है। पदाधिकारियों का कहना है कि वे निजीकरण और निगमीकरण के पूरी तरह से विरोध करते हैं। मोदी सरकार ने रेलवे को टुकड़े टुकड़े में बेच रही है। भारतीय रेल को अडानी अंबानी रेल नहीं बनने दिया जाएगा। वे मरते दम तक आंदोलन करेंगे। 18 सितंबर से बदल जाएगा SBI ATM से 10,000 रुपए से ज्यादा कैश निकालने का नियम। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने ATM के बढ़ते मामले को देखते हुए ATM से कैश निकासी के नियमों में बदलाव किया है। SBI ATM से वन टाइम पासपोर्ट बेस ATM विड्रॉल सुविधा 24 घंटे लागू करने का फैसला किया है। यह सुविधा देश भर में सभी SBI ATM पर 18 सितंबर से लागू होगा। बता दें कि इससे पहले SBI ने रात के समय में ATM फ्रॉड से बचने के लिए OTP आधारित ATM विड्रॉल की सुविधा 1 जनवरी 2020 से शुरू की थी। इसके तहत रात 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक SBI ATM से 10,000 रुपए से ज्यादा कैश निकालते समय OTP की जरूरत होती है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।